ओके तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो कल की क्लास में हमने HTML का बेसिक समझाया, और HTML एक्चुअली हमने कल पढ़ाया ही नहीं। कल हमने आपको बताया बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, बेसिक्स ऑफ वेबसाइट्स, व्हाट इज़ द वेबसाइट, व्हाट इज़ द वेब पेज, व्हाट इज़ द डोमेन नेम, व्हाट इज़ द URL एंड व्हाट इज़ द इंटरनेट। ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की। IP क्या है, ये सारा हमने कल की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम HTML तो शुरू करेंगे ही, और एक टॉपिक कल का छूट गया था जिसका नाम था SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हमें सीखना होगा। तो सबसे पहले हम उस थ्योरी की बात करेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं, कोई वेबसाइट अगर हम बनाते हैं, तो मुझे किस सिक्वेंस में काम करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होती हैं, पहले उसको डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम कुछ एब्रीवेशंस कल नहीं पढ़ा पाए थे, तो उसे आज हम शुरू करेंगे वहीं से। सो वर्ड्स ऑफ द डे, देखिए आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की, कुछ प्रोटोकॉल्स। HTTP मैंने एक दिन दिखाया भी था, फिर से देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, इनका भी डिस्कशन अभी थोड़ा सा मैं करूँगा। देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन कल एक हमने वर्ड यूज़ किया था कल की क्लास में, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देन SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द प्रोटोकॉल, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। एक्चुअली जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं HTML में, या फिर कोई हम इंटरनेट में कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं, या हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो एक्चुअली हम जब वेबसाइट चलाते हैं तो हमारे पास जो डेटा लेके आने का काम करता है, या फिर हम जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे ले जाने का जो काम है, ये काम करेगा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि हमारे इंटरनेट पर हमारे डेटा को मैनेज करते हैं। क्या क्या मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी को मैनेज करना है, डेटा कितने पैकेट में जाएगा, कितनी देर में जाएगा, ये भी मैनेज करेगा। डेटा के साथ ऑडियो जाएगा, वीडियो जाएगा, फाइल जाएगी या फिर मेल जाएगा, इसका भी कंट्रोल कौन करेगा, प्रोटोकॉल। डेटा जिस व्यक्ति को भेजा है, जिसके नंबर पे भेजा है या जिसके मेल पे भेजा है, उसी के मेल पे पहुंचना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाएगा। ये सारा जो सिक्योरिटी का काम है, इंश्योर करता है, वो करेगा प्रोटोकॉल। तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTML पे सबसे ज़्यादा यही काम करेगा। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब कोई चीज़ अटैच करके हम भेजते हैं किसी को, तब वो कौन ले जाता है, FTP। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब हम गूगल या कोई वेबसाइट चलाते हैं, www. लिखकर, और उस वेबसाइट पे हम पहुंच जाते हैं, तो ये काम होता है IP का, इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूरे इंटरनेट में एक कंप्यूटर को ढूंढना, एक सर्वर को ढूंढना और उससे कनेक्ट करने का काम करेगा IP। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आपने जब किसी को मैसेज भेज दिया यहाँ से, ठीक है, या किसी ने आपको मैसेज भेजा, तो मैसेज को हमारे पास तक लाना, डिलीवर कराना, ये काम करेगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होगा जो मैसेज पहुंचाएगा, लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं करेगा कि मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो थोड़ा सिक्योरिटी कम होती है इसकी। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब हम मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, SMS करते हैं, तब वहाँ पे काम करेगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो दीज आर सम एब्रीवेशन ऑफ टूडेज क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर लास्ट टॉपिक, जो मेरा बचा हुआ था वहाँ से शुरू करता हूँ। लास्ट टॉपिक हमारा बचा था SDLC, हमने लास्ट में कल बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई सॉफ्टवेयर जब बनाना होता है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम किस स्टेप पे काम करें। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, देन हमें क्या करना होगा, तो जो भी स्टेप्स होती हैं उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ स्टेप्स what are to be taken to develop any software or application। कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो उसे डेवलप करने के लिए जो स्टेप आप लगाएंगे, उस स्टेप का जो सिक्वेंस है, क्रम है, ठीक ऑर्डर है, उसे हम क्या कहेंगे, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सा है, अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए SDLC का। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहला काम हमें ये देखना होता है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए या वेबसाइट चाहिए या मोबाइल ऐप चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ करंट एप्लीकेशन। भाई कोई व्यक्ति नया एप्लीकेशन क्यों बनवाएगा जब उसे करंट एप्लीकेशन से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आपने देखा कि आपके ऑनलाइन क्लासेस चली, तो क्यों चली भाई ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन नहीं चल पा रही थी, तो टीचर कैसे पढ़ाते। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा ब्लैक बोर्ड पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, बच्चे आ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो अब गूगल मीट से काम करें या फिर किसी और एप्लीकेशन से काम करें। तो ये हमारी हो गई रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहले रिक्वायरमेंट देखा, फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर ने, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया कि चलो इस सॉफ्टवेयर पे हमें पढ़ाना ठीक रहेगा। तो रिक्वायरमेंट में हमें देखना, हमें बोर्ड चाहिए क्या, हमें मार्कर चाहिए क्या, या फिर हमें स्क्रीन शेयर करना, या फिर मुझे अटेंडेंस लेनी है, मुझे टेस्ट भी लेना बच्चों का, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है। जब तक हमें रिक्वायरमेंट पता नहीं होंगी तब तक हम कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते, है ना। अगर मुझे यही नहीं पता है कि हमें वेबसाइट पे क्या रखना है, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी, तो कैसे हम डिज़ाइन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना होगा, या फिर हमें देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं, उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करना ही तो है हमारी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमें करना होगा प्लानिंग, ठीक है। मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सभी बच्चों को, हर्ष कन्फर्म करो बेटा। चलिए, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही प्रॉपरली, ये कह रहा हूँ मैं, विजिबल है ना। सिद्धि आप कंफर्म करो बेटा, आ गया ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब भी कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाना है तो उसके स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं, और स्टेप को हम कहेंगे SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और कोई जम प्रोग्राम ही क्यों ना बनाए, जैसे अगर आपको हमने कहा प्रोग्राम बनाइए भाई दो नंबर ऐड करने का, तो आपने पहले क्या सोचा, भाई मुझे दो नंबर ऐड करने, मतलब मुझे दो वेरिएबल चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। देन हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में आता है कब, कहाँ और कैसे शुरू किया जाए, ठीक है। व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये हमारी हो गई प्लानिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर का ख्याल आते ही तुरंत नहीं बनाता कोई भी डेवलपर, ठीक है ना। उस डेवलपर को प्रॉपर टूल्स चाहिए होते हैं। जब तक उसके पास टूल्स नहीं मिल जाएंगे, जब तक उसे चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, तब तक हम काम कैसे शुरू करेगा। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग के तहत आती हैं। प्लानिंग के बाद आएगा डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस कहता है
सब कुछ प्रैक्टिकल वर्ड से जोड़ के देखना आपको भाई। डेटा एनालिसिस कहता है कि हमें कौन सी स्कीम या कौन सा टेक्नोलॉजी सस्ता पड़ेगा, कौन सा महंगा पड़ेगा, हमें किस में कंफर्टेबल हैं, हम किस में हम जल्दी डेवलप कर पाएंगे, किस में हमें मैन पावर कम लगेगी, किस में कॉस्ट कम लगेगी, कौन कितना जल्दी आउटपुट देगा, ये सब डेटा एनालिसिस है। जैसे मैंने कहा ना कि अब आपके बच्चों की मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा गूगल मीट भी, फिर मैंने देखा अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का टीम भी आता है, फिर मैंने कहा जूम भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने एनालिसिस करी, फिर उसमें से मुझे सेलेक्ट करना होगा कि बेहतरीन क्या है, ये कहलाएगा डेटा एनालिसिस। जब तक हम डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन आप बना रहे हैं और एक ही काम करने के लिए तीन तरीके हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि बेहतरीन तरीका कौन सा है। आपको यहाँ से न्यू मार्केट जाना है अपनी कॉलोनी से, तो भी आपको एक एनालिसिस करना है, तो प्लानिंग करेंगे कब जाना भाई, 2 बजे, 3 बजे, शाम को, दोपहर को, ठीक है। पहले हम क्या जाएंगे, क्यों जाना, सबसे पहला होगा रिक्वायरमेंट, भाई जाना क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, भाई हाँ हमें एक टी शर्ट खरीदनी है, तो रिक्वायरमेंट हो गई भाई हाँ शर्ट खरीदनी है। प्लानिंग कर लिया आपने, ठीक है इतने बजे जाना है। अब आप 4 दुकानों में सर्च करते हैं, तो बेसिकली यू आर डूइंग द डेटा एनालिसिस। मैंने एक दुकान पे देखा नहीं जमा, उसकी कॉस्ट कंपेयर की, दूसरे से कॉस्ट कंपेयर किया, तीसरे से कंपेयर किया, तो कंपैरिजन का सारा काम किस में आ जाएगा, डेटा एनालिसिस में, ठीक है। अब आता है एनालिसिस आपने कर लिया कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अब आप करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। डिज़ाइन पहले होगा, डेवलपमेंट बाद में होगा, याद रखेंगे हर सॉफ्टवेयर का पहले डिज़ाइन चलता है, देन आपका डेवलपमेंट। जैसे अगर आपको कोई टी शर्ट खरीदनी है, तो पहले आप क्या, या टी शर्ट या शर्ट आपको सिलवानी है, स्टिचिंग करानी है, तो पहले आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, देन उसको दे देंगे आप टेलर को, भैया इसको ऐसे ही स्टिच करके दो। तो डिज़ाइन आपका टेम्परेरी होता है, डिज़ाइन कहीं होता नहीं है, डिज़ाइन एक्चुअली एक मॉडल होता है। आप चाहें तो कॉपी पे मॉडल बना लें कि हाँ मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, देन उसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं काम। जब आप कोई स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो आपको एक मॉडल दिया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा बना के दिखाना है, बना बनाया नहीं देगा कोई, आपको एक फ़ोटो दे देगा, आपको डिस्क्राइब करके दे देगा फैकल्टी, है ना, टीचर बता देंगे आपको कैसे ऐसे करना है, तो आपको डिज़ाइन पता होती है अच्छा इसको ऐसे करना है, देन उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप करते हैं डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट, या इसी को हम कहते हैं कोडिंग। अगर हम ये डेवलपमेंट कंप्यूटर पे करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें, तो इट इज़ कॉल्ड कोडिंग। तो डिज़ाइनिंग, जैसे हमने HTML से कर ली, कोई वेब पेज डिज़ाइन किया, कल हमने एक एप्लीकेशन बना के भी दिखाया था कि हमने कहा कि एक 2 डब्बे हमने बना दिए, 2 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, जिसमें हमने कहा नंबर टाइप करो, लेकिन जब मैं क्लिक करूँ तो उसमें एडिशन होना चाहिए। तो कल हमने डिज़ाइन एक कर ली थी छोटी सी, लेकिन क्लिक करने पर कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि हमने कोडिंग नहीं की थी। तो सबसे पहले फिर से शुरू करेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखना है, देन प्लानिंग करनी है, देन एनालिसिस करना है, देन डिज़ाइन करना है, देन डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट या कोडिंग करने के बाद फिर आपको करनी है टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कहीं कोई गलती तो नहीं है, हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही, जैसा ही चाह रहे थे वैसा ही हमारा बना है कि नहीं बना हुआ है, इस तरह से हमें सब कुछ देखना, ये कहलाएगा टेस्टिंग। टेस्टिंग हो गई, और टेस्टिंग होने के बाद हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको काम में लगा देना, जिस काम के लिए हमने बनाया या जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, उस काम को यूज़ करने लगना, उस सॉफ्टवेयर पे काम करने लगना, इसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और फिर आता है मेंटेनेंस। बस मेंटेनेंस, अब आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, अब क्या करना है आपको, आगे सिर्फ मेंटेनेंस करके रखना है, कोई गड़बड़ी होगी तो उसे आपको सही करते कराते रहना है। तो ये आपका HDLC के स्टेप्स हो गए, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स हैं, याद कर लेना आपको, ओके। तो शुरुआत कहाँ से होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन प्लानिंग, देन डेटा एनालिसिस, देन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग के बाद डेवलपमेंट या कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको चलिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर नहीं, मान लीजिए आपको एक शर्ट सिलवानी है, तो आपने सबसे पहले क्या किया भाई कि आपकी रिक्वायरमेंट, एक शर्ट चाहिए, 2 शर्ट चाहिए, आपने रिक्वायरमेंट निकाल ली अपनी, देन प्लानिंग की कहाँ से लेना है, कब लेना है, आपने कहा चलो न्यू मार्केट से लेते हैं, ठीक है। फिर आप गए तो आपने डेटा एनालिसिस किया, क्या भाई किस दुकान में सस्ता है, किस दुकान में महंगा है, किस कंपनी का लेना है, किस कंपनी का कितना कॉस्टली जाएगा, ये सब आपने डेटा एनालिसिस कर लिया। डेटा एनालिसिस करने के बाद फिर आप गए टेलर के पास, आपने एक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर ली, भैया इस डिज़ाइन पर मुझे ये
शर्ट बनानी है। देन अब वो क्या करेगा टेलर, वो करेगा स्टिचिंग शुरू। तो जब स्टिचिंग शुरू कर देगा दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। जब तक आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक डेवलपमेंट चलेगा, और डेवलपमेंट के बाद वो टेस्टिंग करेगा कि भाई फिर से वो फीता लेके देखेगा, चेक करेगा मीटर लगा के जितना आपने कहा तो उतना है कि नहीं है, कहीं खुल सिलाई तो नहीं खुली है, सब कुछ टेस्ट करने के बाद फिर वो आपको पकड़ा देगा, आपको दे दिया, दैट मीन्स आपने उसे पहन लिया, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अब आप उसे बीच बीच में साफ करते रहेंगे, सुखाएंगे, ठीक है, आयरन करेंगे, ये सारा जो काम है ये कहलाता है मेंटेनेंस। ठीक है, ये कहलाएगा मेंटेनेंस। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और हमें इसी स्टेप को फॉलो करना है। माइक ऑफ कर लीजिए जिनका भी चालू है। अब हम बढ़ते हैं HTML की पहली क्लास की तरफ। ये टॉपिक जो कल का छूटा था उसे कंप्लीट करा दिया SDLC एंड देन गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML। गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML। देखो बेटा HTML के बारे में कल हमने समझा कि HTML, चलो बताओ आप लोग, डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है या डेवलपमेंट लैंग्वेज है, किस तरह की लैंग्वेज है, कौन बताएगा? इट्स अ डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, मतलब इससे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। एज वी नो HTML इज अ वेब डिज़ाइन लैंग्वेज। वी कैन क्रिएट सिंपल एंड रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब एडवांस एंड एडवांस्ड वेब पेजेस। वेब पेजेस कौन से पेजेस होंगे, कल मैंने समझाया था ऐसे पेज जो कि वेब ब्राउजर पर रन होंगे, इंटरनेट के थ्रू रन हो जाएं, उससे हम कहेंगे वेब पेज। तो वी कैन क्रिएट सिंपल एंड एडवांस वेब पेजेस यूजिंग HTML। सिंपल से एडवांस तक सारे पेज हम बना सकते हैं HTML का यूज़ करके। The page, the HTML page, page will be saved with extension. अब आ गई बात extension की, और इसका जो extension होगा .html या फिर .htm होता है। Python का extension क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? Python file का extension डॉट पी वाई एच क्या चीज एक ही बात है दोनों, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों का एक ही मतलब है। एक्चुअली पहले का जो एक्सटेंशन था उसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर ही परमिटेड थे, तो HTML ये कहता है स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे लिनक्स, यूनिक्स और भी हैं जो सिर्फ 3 कैरेक्टर को परमिट अगर करते हैं तो आप HTML लगाइए विंडोज़ में, और आप मोबाइल पे HTML से सेव कर सकते हैं। अभी मोबाइल पे ही बताऊंगा आगे क्लासेस में कैसे सेव करना है, अभी तो आज कंप्यूटर पे बनाना हम दिखाएंगे, देन आपको बताएंगे मोबाइल पे कैसे चलाना। तो एक्सटेंशन जो पेज का होगा जब आप सेव करेंगे तो याद रखना .html लगा देना आपको। वी कैन डिज़ाइन द लेआउट ऑफ द पेज, लेआउट ऑफ द वेब पेज। जब भी पेज बनाएंगे तो वेब पेज जरूर लगाएंगे। लेआउट का मतलब होता है कितनी उसकी विड्थ होगी, कितनी उसकी हाइट होगी, किस तरह से दिखेगा, लेआउट ऑफ द पेज। एंड वी कैन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट इनसाइड द वेब पेज। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्या हो सकते हैं, देखिए भाई जैसे इमेजेस दिखाना, आपको होता है ना वेबसाइट में इमेजेस भी आती हैं, टेक्स्ट भी आता है, ऑडियो भी चलते हैं, वीडियोस भी होते हैं, कहीं कहीं आपको लिस्ट दिखानी होती है, कहीं पर आपको मेन्यू दिखाने होते हैं, कहीं पर आपको टेबल्स दिखानी होती हैं, तो इस तरह से बहुत सारा कंटेंट होता है एक वेबसाइट के अंदर।
तो किसी भी वेब पेज में या वेबसाइट में जो भी कंटेंट आप दिखाते हैं, आपकी फ़ोटो आ गई, फोटो के नीचे टेक्स्ट आ गया, कोई टेक्स्ट मार्की की तरह चलता हुआ दिखेगा, लेफ़्ट टू राइट चलता जा रहा है, कहीं पे आपने क्लिक किया, जैसे यूट्यूब है वो भी एक वेबसाइट है, तो वहाँ पर वीडियोज़ होते हैं, स्पॉटिफाई है जहाँ पे आपको ऑडियो मिलते हैं, सॉन्ग्स मिलते हैं, तो ये सारा जो कंटेंट डिज़ाइन करने का काम है सब कुछ HTML से पॉसिबल है। तो HTML provides different tags, यहाँ के जो स्टेटमेंट होंगे HTML के उनको हम टैग कहने वाले हैं, जो HTML के कमांड या HTML के स्टेटमेंट होंगे उनको हम क्या कहने वाले हैं, टैग। तो HTML provides different tags for showing the information or content in the page, पेज में कंटेंट दिखाने के लिए हमें अलग अलग टैग या कमांड लिखने पड़ते हैं, इन्हीं कमांड को हमें सीख लेना है, ठीक है। और जो भी टैग होंगे, द टैग विल बी रिटन एज, बहुत आसान है टैग लिखना, देखिए कैसे लिखना है टैग, आपको इस तरह से लिखना है और यहाँ पे टैग का नेम लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना एलिमेंट लिख देना है, टैग का एलिमेंट और स्लैश करके टैग नेम लिख देना है। स्लैश का मतलब है कि यहाँ पर टैग स्टार्ट हुआ है और स्लैश का मतलब है टैग यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब टैग नेम की जगह पे जो टैग आपको बताएंगे उस टैग को लिखना है, अपने मन से टैग नहीं लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बी, और बी लिखकर मैंने लिख दिया वेलकम टू जिस्ट एंड स्लैश बी। यहाँ पर इस बी का मतलब हो गया B is a tag for bold. Bold दिखाना है, bold समझते हैं ना, जैसे इसको मैंने हाईलाइट करके इसको ये देखिए ये कर दिया, ये bold हो गया। Will be, will का will क्या हो गया, will be का will हो गया bold. तो bold अगर मुझे करना है, command देनी है कि मुझे ये particular text bold में दिखाना है, तो एक मैंने tag just ऐसे ही बता दिया आपको कि tag कैसे होंगे। Tag हमेशा दोनों तरफ से angular bracket के अंदर tag लिखने हैं, टैग लिखने के बाद एलिमेंट लिखना है जिसके ऊपर आपको इफेक्ट डालना है, और देन टैग को बंद कर देना है, देन टैग को आपको बंद कर देना है। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे और भी टैग कैसे लिखे जाएंगे। हियर वी हैव टू स्टार्ट द टैग, स्टार्ट द टैग एंड देन terminate the tag using slash, slash का use करके tag को terminate कर दिया। terminate करने से ये मतलब होगा कि कहाँ तक मेरे tag का effect होगा। अगर मैंने सिर्फ hello को bold दिखाना है तो hello के बाद आपको bold tag को बंद करना पड़ेगा, और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो जहाँ तक आप लिखते जाएंगे वहाँ तक उस tag का effect होता चला जाएगा। effect of the tag will be carried until we close it, जब तक हम टैग को बंद नहीं कर देंगे तब तक उसका इफेक्ट चलता रहेगा, ठीक है। जब तक हम टैग को क्लोज नहीं करेंगे तब तक टैग का इफेक्ट चलता रहेगा। अब बात आती है टैग कौन कौन से हैं और कैसे याद किए जाते हैं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक HTML टैग। ये तो बेसिक्स हैं जो जिसके बिना हम कोई पेज बना ही नहीं सकते हैं। बेसिक HTML टैग सभी बच्चे याद करो, चार बेसिक HTML टैग हैं, याद रखेंगे। सबसे पहला होता है HTML, देन हेड, देन टाइटल एंड बॉडी। चार बेसिक HTML टैग हैं, याद करिए फटाफट, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। कौन कौन से? HTML, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। अब देखते हैं इनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। इनका सीक्वेंस देखिए बेटा इस तरह से रहने वाला है, कौन सा शुरू होगा और कौन सा खत्म होगा, इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सबसे पहले आपके कोडिंग में कौन सा टैग शुरू होता है? HTML, HTML के बाद शुरू होता है हेड, हेड के बाद शुरू होता है टाइटल, और टाइटल का मतलब आपके पेज का जो भी टाइटल आपका वेब पेज का रखना है उसे आपको लिखना है, क्लोज कर देना है, देन हेड को क्लोज कर देना है। तो हेड सेक्शन के अंदर आता है टाइटल टैग, हेड सेक्शन के अंदर आएगा
टाइटल टैग, तो आपको लिखना HTML, HTML के बाद हेड, हेड के बाद लिखना टाइटल, टाइटल के बाद अपना टाइटल लिख देना है, टाइटल को क्लोज कर देना है, देन इसके साथ ही आपका हेड सेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा क्लोज, हेडर सेक्शन खत्म। अब आपको कंटेंट जब दिखाना होगा, कंटेंट पेज के अंदर क्या दिखाना है, इसके लिए बॉडी टैग शुरू होगा, यहाँ पर आपका आएगा पेज के कंटेंट, कंटेंट्स ऑफ द पेज, जो आपका वेब पेज में दिखाना है वो सारा कंटेंट आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, देन आपका बॉडी टैग हो जाएगा क्लोज, एंड लास्ट में आपका क्लोज होगा HTML, ठीक है, लास्ट में क्लोज होगा HTML। देखो अगर क्लास कट हो जाती है तो आप लोग मीटिंग छोड़ देना, क्योंकि ये भी मैं बाहर हूँ, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, लाइट नहीं है, जब तक मेरा लैपटॉप चल रहा है तब तक क्लास हो रही है, अगर बंद हो जाती है क्लास तो आप लोग मीटिंग स्किप कर देना, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल ही जाएगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखा कौन कौन से बेसिक चार HTML टैग मैंने बताए आपको, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है, याद करेंगे सभी लोग, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। सबसे पहले कौन सा टैग शुरू होता है, HTML, सबसे आखिरी में कौन सा बंद होता है, HTML, तो सबसे पहले शुरू होगा और सबसे आखिरी में क्लोज होगा। HTML के बाद आपको शुरू करना हेड, हेड के बाद शुरू करना टाइटल, टाइटल में आपको लिखने हैं पेज का जो भी टाइटल है वो लिख देना है, देन आपको हेड को क्लोज कर देना है, देन शुरू करना है बॉडी, शुरू करना है मतलब टैग का नाम लिख दिया, शुरू हो गया, और अगर मैं कहूँ आपको एंड करना है, ख़त्म करना है, क्लोज करना है, दैट मीन्स स्लैश लगा के लिखना है, स्लैश लगा दिया दैट मीन्स ये टैग यहाँ पर फिनिश हो गया। तो चलिए ये हो गया हमारा टैग, अब आगे कैसे करना है, कहाँ लिखना है इसको, कैसे चलाना है, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, वी हैव टू राइट, हाँ बेटा, HTML कोड इनसाइड एनी एडिटर, वीडियो बंद है मेरा, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, और किसी बच्चे को नहीं दिख रही क्या स्क्रीन, सिद्धि तुमको भी नहीं दिख रही स्क्रीन हमारी, एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा, इसलिए हमें लग रहा है कि शेयरिंग में दिक्कत हो रही है, फिर भी थोड़ा सा वेट करो, शायद शेयर हो जाएगा अभी। अभी देखो मेरी स्क्रीन दिखने लगी, ओके अगर मेरी मीटिंग कट हो जाएगी ना तो तुम लोग फिर बंद कर देना क्लास, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, हो सकता है लैपटॉप मेरा बंद हो जाए थोड़ी देर में, अगर लाइट आ जाती तो कंटिन्यू क्लास होगी, अदरवाइज तुम अगर क्लास कट जाती है, मैं क्लास से बाहर दिख जाऊँ तुमको, लग जाए कि सर चले गए, तो मीटिंग कट कर देना, ओके। तो देखो सबसे पहले HTML, HTML के बाद हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के बाद टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन शुरू होगा बॉडी टैग। तो HTML के अंदर दो टैग आते हैं बेसिकली, एक तो हेड टैग आ गया और एक आ गया बॉडी टैग। बॉडी टैग का मतलब आप पेज में जो भी दिखाना चाहते हैं, आपके वेबसाइट के अंदर जो दिखाना है वो बॉडी टैग में लिखना है, और आपको टाइटल बार में जो दिखाना है ऊपर वो आपको हेड के अंदर, टाइटल के अंदर लिखना है। तो हेड, इनसाइड द हेड यू हैव टू राइट द टाइटल। अब कैसे लिखना, कहाँ लिखना है, तो ध्यान से देखिए, वी हैव टू राइट द HTML कोड इनसाइड एनी एडिटर लाइक नोट पैड। आपको अगर कंप्यूटर पे चलाना है तो कंप्यूटर पे पहले बता रहा हूँ, देन आपको बताऊंगा मोबाइल पे कैसे चलाना है। तो नोट पैड पे चलाना है, और अगर मोबाइल पे बात करें, इन मोबाइल आप डाउनलोड कर लेना एक ऐप बता रहा हूँ मैं, ट्रेब एडिट, TREBEDIT, ट्रेब एडिट, ठीक है, ट्रेब एडिट, ये वाला आपको डाउनलोड कर देना है अपने मोबाइल पर। देन टाइप द HTML कोड एंड सेव द फाइल विथ एक्सटेंशन .html। अपने कोड को लिखेंगे आप, जैसे नोटपैड चलाया आपने तो नोटपैड में जाके अपना कोड लिख देंगे और फाइल को .html से सेव कर देंगे। फिर क्या करना है, फिर आपको
ओपन कर देना है फाइल को, ओपन द सेव्ड फाइल यूजिंग डबल क्लिक, बाय मेकिंग डबल क्लिक। उस पर आप डबल क्लिक करके क्या करिएगा, उसे आप ओपन कर दीजिए डबल क्लिक करके, जहां भी आपने सेव की है वहां से, या फिर रन का ऑप्शन आएगा तो भी हम करके दिखाएंगे कैसे आपको रन करनी फाइल को। तो पहले आप देखिए कंप्यूटर पे कैसे करना है। हमने चलाया नोटपैड, नोटपैड के अलावा भी सॉफ्टवेयर होंगे जिनकी चर्चा हम आने वाली क्लासेस में करेंगे कि नोटपैड के अलावा हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नोटपैड में आपने क्या चलाया, सबसे पहले कौन सा टैग लिखा मैंने, HTML, HTML के बाद लिखा मैंने हेड, हेड के अंदर आएगा टाइटल। सिक्वेंस याद रखना बच्चों, टाइटल, टाइटल पे मैंने लिख दिया फर्स्ट पेज, क्योंकि मेरा पहला पेज है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज लिख दिया और यहाँ पर टाइटल बंद किया, अगर मैं, और यहाँ पर हेड बंद किया। अगर मैं टाइटल क्लोज नहीं करूँगा तो जितना भी मैं लिखूँगा पेज में सब टाइटल में चला जाएगा, तो मुझे सब कुछ टाइटल में नहीं ले जाना, मुझे कुछ पार्ट बॉडी में दिखाना। देन ये रहा बॉडी, बॉडी पे मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन आई एम एक्स वाई जेड, बस इतना लिखा मैंने। मैंने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पर HTML भी क्लोज कर दिया, बॉडी के अंदर लिख दिया। टाइटल पे मैंने एक लाइन लिखी, एक लाइन मैंने बॉडी में लिखा।